अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट में आपकी मेजबान तमन्ना आरिज। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बडगाम के धुंडूस इलाके में। यहाँ पर आज लगातार एनआई की रेड देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद है धुंडूस इलाके में जहाँ पर खुर्रम परवेज की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है। यहाँ पर आज एनआई की टीम पहुंची है। अभी ये वन स्टोरी बिल्डिंग है। अभी आपको बता दें कि अभी कंस्ट्रक्शन ही हो रही है इस बिल्डिंग की। तो यहाँ पर आज एनआई की टीम पहुंची है अंदर। अभी आपको नहीं बता सकते कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स इनको मिले हैं तो उन पर अभी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, हमारे पीछे आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि सीआरपी की टीम पहुंची है यहाँ पर, जेके पुलिस की टीम पहुंची है और एनआई की टीम पहुंची है यहाँ पर। आपको बता दें कि लगातार कश्मीर में ऐसे रेड्स देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पर जिला बडगाम के सेबुक इलाके में सईद सलाहुद्दीन, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर है, उनके दो बेटों की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। इसी समय में खुर्रम परवेज, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, कुछ साल पहले उनको तिहार जेल में बंद किया गया है। आज उनकी एनजीओ का ऑफिस यहाँ पर धुंडूस इलाके में, उनको आज यहाँ पर एनआई की टीम ने यहाँ पर छापामारी की है। तो यहाँ पर आपको विजुअल्स में दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एनआई की टीम आ पहुंची है। हमारे साथ बने रहेगा, देखिएगा जेके न्यूज पॉइंट। अच्छा, ये जब शॉर्ट करोगे ना 8-8-10 सेकंड, तब ये व्हाट्सएप में जल्दी जाता है। ठीक है, फिर मेरे नाम पे व्हाट्सएप है ना, उस पर कर दो। मेन बसान हम इस वक्त धुंडूसा बड़गाम में मौजूद है और यहाँ पे एनआई की रेड पड़ी है। दरअसल यहाँ धुंडूसा इलाके में जो बिमना का इलाका है, यहाँ पे खुर्रम परवेज का ऑफिस है। खुर्रम परवेज दरअसल